हेलो एवरीवन, माय नेम इज हबीबा। टुडे आई एम नरेट बातूनी कछुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बातूनी कछुआ। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहां पहाड़ियों से दो हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हर दम बक बक करता था। हंसों और कछुओं में मित्रता थी। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वह लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ आसमान में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। सीख हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हमारे मित्र मुसीबत में होते हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, और अगर हमारे मित्र हमें कोई सलाह देते हैं तो उसे मान लेनी चाहिए। जैसा कि इस कहानी में बताया गया कि कछुए ने मित्र की बात ना मानकर बोल पड़ा, लेकिन नीचे तालाब होने की वजह से कछुआ बच गया। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।